हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। सो गाइज, आज हम बात करेंगे भारत में बैंकों की स्थापना। दोस्तों, पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना 1770 में हुई। दूसरी इलाहाबाद बैंक 1865 में हुई। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई। दोस्तों, केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, और कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना 1906 में हुई। दोस्तों, इंडियन बैंक 1907 में बनी थी। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में बनी थी। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बनी थी। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में बनी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भी 1991 में बनी। दोस्तों, इम्पीरियल बैंक 1921 में बनी। दोस्तों, आंध्रा बैंक 1923 में बनी। सिंडिकेट बैंक 1925 में बनी। दोस्तों, विजया बैंक 1931 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1935 में बनी। दोस्तों, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 1935 में दोनों बनी थी। दोस्तों, अगली है इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में, और देना बैंक 1938 में। दोस्तों, ओरिएंटा बैंक ऑफ इंडिया 1943 में बनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों 1955 में। आईसीआईसीआई बैंक ऑफ 1994 बनी। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक 1994 में बनी, और आईडीबीआई बैंक ही 1994 में। एक्सिस बैंक दोस्तों 2007 में बनी। तो सो गाइज, आज इतना ही दोस्तों। तब तक वीडियो को चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए टिक टिक गुड बाय।